ये है वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन। हमने भारी भरकम गेमिंग स्मार्टफोन, फोल्ड होने वाले, रोल होने वाले सारे स्मार्टफोन ट्राई करके, बट ये वाला गेमर्स के लिए स्पेशल। इसके अंदर पंखे लगा रखे हैं, सबसे ज्यादा फास्ट प्रोसेसर, सबसे ज्यादा फास्ट स्टोरेज और अलग अलग गेमिंग फीचर ऐड कर रखे हैं। और जिन्होंने पता नहीं है, नूबिया अलग ही अतरंगी गेमिंग स्मार्टफोन बनाता है। ये पिछली बार हमने कंटेनर वाला फोन बोला था, उससे पहले रंगीन पंखे वाले फोन थे। इस बार क्या अलग करा गया साथ में देखेंगे भाई। मैंने जितनी एक्साइटमेंट सारी रोक के रखी। मैंने देखा भाई डब्बा सिल्वर सा अलग सा चमक रहा है, यहाँ पे ऐसे खंजर सा लगा रखा है, रेड मैजिक लिखा हुआ है, यहाँ पे विन मोर गेम्स, यहाँ पे 80-80 हुई लिख रखा है। ये ऐसी फोन है दिन रात बस गेम ही खेलो। ओ भाई ये क्या निकल रहा है, अरे बाप रे ड्रॉइंग बनी। ये तो छुपा के रखी थी चीजें, मार तो लग रहा है, ऐसी बॉडी बना रहा हूँ मैं अभी। हॉगवर्ड्स का सेम इंजेक्टर लग रहा है, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है। विंगार्डियम लवियोसा, हमारी कुछ पुस्तकें दे रखी। दिखने में देखो सस्ता लगे बड़ी है, कड़क केस उठा के रखा ना फोन, नीट जैसी फील दे रहा है। 65 वॉट का चार्जर दे रखा है कि केबल मोटी मोटी देनी पड़ती है भाई। पर भाई सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज भाई, खोल लेते हैं। ये क्या है भाई, ये तो कुछ अलग सा ही बना दिया है भाई, ईंट लग रही है मेरे को। बट ये है नूबिया का नया रेड मैजिक 8 प्रो। एक पूरा ही फ्लैट डिजाइन है, बैक साइड से भी पूरा फ्लैट, साइड से भी पूरा फ्लैट। यहाँ पे ना रेड मैजिक लिखा, अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। आप सोचोगे यहाँ पे एंटीना बैंड क्यों लगा रखा है, नहीं ये गेमिंग के ट्रिगर। और यहाँ पे आप सोचोगे ये क्या लगा रखा है, यहाँ पे छेद क्यों है, ये कौन सा माइक्रोफोन है, पंखा है। बट भाई पूरी एक मैट ब्लैक फिनिश है, बैक साइड में भी एक टेक्सचर्ड ग्लास है, ऐसे पकड़ के ऐसे फील दे रहा हथियार टाइप है, किसी को लड़ाई हुई तो ऐसे फोन ही मारो उसके। जेन्युइन एक सॉलिड फील दे रहा है। राइट साइड में पावर बटन है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम बटन है, टॉप साइड पे एक हेडफोन जैक दे रखा है। गेमिंग फोन के अंदर नहीं आते हेडफोन जैक, वो एक्सा बढ़ जाते हैं। नीचे की साइड पे स्पीकर यूएसबी टाइप सी और सिम में है, बड़े भार वाला यूनिट है। ऊपर की साइड दो गेमिंग ट्रिगर और यहाँ पे एक बटन, बटन दबा के देखेंगे वाइब्रेशन पे करने के लिए। ये गेम मोड ऑन कर देता। एक चीज और मैं नोटिस करी, कैमरे के ऊपर फ्लैश लगा रखा है, और किसी भी स्मार्टफोन में नहीं देखा मैंने। वैसे दांत से टच कर दिया, ज्यादा ही मजबूत है। कैमरे ऊपर तीन तीन लगा रखे हैं, बट मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ भाई गेम के अंदर ऐसा क्या ऐड कर दिया। इसमें एक चीज और मैं नोटिस करी, फ्रंट में भी भाई पूरा ही ऐसे फ्लैट डिस्प्ले लगा रखा है। 1300 निट्स की ब्राइटनेस, वो लाइट के सामने अगर बढ़िया दिख रहा है मतलब है ब्राइट। 1300 एकदम सबसे तगड़ा नहीं बोलूंगा, बट लाइक ठीक है यार, गेम का मजा आना चाहिए। डब्बे पे जो अंकल बने थे इनका कोई नामो निशान नहीं है फोन के अंदर। सॉलिड तो है, वेट बैलेंस सही हो रहा है, जैसे हाथ में से पकड़ते हैं ना कुछ कुछ फोन ऐसे लुढ़कने लगते हैं, ये नहीं लुढ़क रहा। एक चीज मैं नोटिस करी भाई, बेजल बहुत ही ज्यादा कम है। अरे पंखा चल रहा, आवाज सुनोगे? स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ पे दे रखा है। डिस्प्ले में ना अलग अलग मोड्स रखे हैं, sRGB वो होता है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग में ना एकदम एक्यूरेट देखना पड़ता है, तो इसमें ये वाला मोड ऐड कर रखा है। मैंने आज तक किसी भी स्मार्टफोन में देखा, बट हमको तो विविड चाहिए भाई। इसमें एक 6.8 इंच का डिस्प्ले है, और एक्चुअली जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। व्यूइंग एकदम साइड से तब भी आपको अच्छा दिख रहा हो, कलर वलर सही आ रहे हो ऊपर नीचे आगे पीछे। डिस्प्ले बढ़िया है, ये नहीं बोलूंगा सबसे तगड़ा, बट सही है भाई ये कैमरा डिस्प्ले। बट सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे भाई, डिस्प्ले को टच करके है तो 120 हर्ट्ज, बट ऐसा ना टच ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 960 हर्ट्ज का है, मतलब जो आप टच कर रहे हो और जब ये हिलने लगता उसमें बहुत ही कम टाइम है, तो एकदम ज्यादा फील हो रहा है कि रियल लाइफ में मूव हो रहा है। और डेफिनेटली भाई 120 हर्ट्ज तो दिखा रखा है, बट ये फील हो रही है चीज। बट एक चीज भाई को फील नहीं हुई, वो है इसका UI। ठीक है अब इतने फीचर सब ऐड कर रखे हैं, बट थोड़ा सा ना ऐप ड्रॉ जब ऊपर नहीं जाती है ना, तब मेरे को थोड़ी सी चिड़मचन लगती है। ये क्या लगा रखा है, नेटिव लैंग्वेज क्यों लगा रखा है यहाँ पे, हटाओ ना भाई यहाँ पे। ओ भाई ये एनिमेशन सही था। सॉफ्टवेयर ऐसे काफी हद तक लाइट ही फील हो रहा है, ऐसे गूगल वाले ही पूरी फील दे रहा है। ये गेमिंग स्मार्टफोन में क्या करते हैं, एनिमेशन डबल तेज चलता है, जैसे आप इसको दबाओगे ना तो तेजी से बंद होता है एकदम जुप, बट कैमरा नहीं खुला, कैमरा खुलने में टाइम लगता है। सॉफ्टवेयर में अगर आप जाओगे तो भाई पर्सनलाइजेशन वाले फीचर्स हैं, फॉन्ट वॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, कूलिंग फैन वाली चीजें दे रखी हैं, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा पंखा उनका, ये बता रहा है कि पंखा है इसके अंदर। कुछ है फीचर एक दो और ऐड कर रहे हैं, सुपर स्नैप है, 100 मोड है, हार्ट रेट डिटेक्शन, फिंगरप्रिंट देख के भाई दिल की धड़कने जान ले, 69 बीट्स पर मिनट। मैं नॉर्मल हूँ, मैं छोटे मोटे फीचर में ज्यादा पड़ता नहीं, मेरे को देखना है गेम कैसी चल रही है। गेम बढ़िया चल रही है, मैं भी बढ़िया चल रहा हूँ। हाथ में पकड़ने में ऐसा कुछ भारी नहीं है, बट एक 6000 mAh की बैटरी है, और पकड़ने में और यूज करने में मैं बोलूंगा भाई कंफर्टेबल, एक नॉर्मल स्मार्टफोन जैसी फील दे रहा है। इस स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 8 Gen 2 है, मतलब ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लाइन है, काफी सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में आ रहा है, बट इस साल का पहला गेमिंग स्मार्टफोन है जिसके अंदर ये आ रहा है। और भी है स्मार्टफोन, बट वो पिछले साल के फ्लैगशिप पे रन कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अभी वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन बन जाता है। स्टोरेज के लिए बाकी सारी चीजें जो अब फ्लैगशिप फोन में स्टैंडर्ड से बन गई, UFS 4.0 है, DDR5X रैम है, स्टोरेज भी मिल जाती है, 256 GB वाला वेरियंट है और 12 GB रैम है। परफॉर्मेंस कुछ तो अलग होना चाहिए, ऐड करा देखते हैं। और भाई अलग से जो बटन दे रखा है ना, ये देखो भाई पूरा फोन वाइब्रेट मारता है। इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर सारी गेम के अलग अलग से फीचर ऐड कर रखे हैं, और यहां से पंखा ऑन होता है, मैं ऑन कर देता हूं, देखो
पंखे की आवाज आती है वो बड़ा अजीब सा लगता है। इसके अंदर जो पंखा लगा रखा है ये 20,000 RPM का है। जब आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करो तब 1,000 RPM तक जाता हो और ये 20,000 RPM गाड़ी पहुंच जाती है 7-8,000 RPM तक। बट भाई फोन के अंदर इतना तेज पंखा, जैसे ये तो गेम लॉबी है, इसमें पंखा वैसे ऑन ऑफ हमने करके दिखा दिया आपको, जैसे आप स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हो। अभी 480 Hz टच सैम्पलिंग रेट पे चल रहा है, बट इसको आप बढ़ा भी सकते हो। और ये स्पेशली भाई पबजी न्यू स्टेट के लिए, भाई जो आप स्लाइड लाइड करते हो उसके लिए फीचर बना रखा है, फिर सेंसिटिविटी का बना रखा है, जैसे इको चलानी बैलेंस राइज में तो अपना आग लग जाती है। ये प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता है जिससे भाई थोड़ा फास्ट चलने लगता है। जीपीयू की भी आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, एक्चुअली भाई बढ़िया दिखेगा। ये सारी चीजें भाई छोटी छोटी ऐड कर रखी है इसके अंदर, और एक दो ना थोड़े चीट कोड टाइप भी है। जैसे इसमें प्लग इन में अगर मैं खोलू ना, हंट मोड है, इसमें नेगेटिव हो जाती है स्क्रीन, एक्चुअल एनिमीज अलग से दिख जाते हैं। एमिंग असिस्ट भी है जिसमें एक्चुअल क्रॉस एयर आ जाता है, अगर आपकी गन के अंदर जूम नहीं भी है तब भी आप इसमें जूम करके देख सकते हो। सारी फीचर भाई ट्राई करके तभी पता चलेगा। मैं इसे लेफ्ट से स्क्रॉल करूंगा ना तो ये पूरा गेम मोड खुल जाता है भाई। गेम के बीच में नोट्स वोट्स भी ले सकते हो। चलो जो क्रॉस एयर लगा के दिखाता हूँ आपको, देखो ये मैं बड़ा वाला लगाता हूँ, ऐसे स्क्वायर वाला। काफी सारी गेम होते हैं ना जिसमें भाई स्नाइपर वाइपर में आता नहीं है क्रॉस एयर, ये वाला भी सही फीचर है भाई। ये फोटो देखते देखते गेम खेलने में अलग मजा आएगा। इसमें भाई ये ऑलमोस्ट चीटिंग जैसा है, जैसे मैंने इस वाले ट्रिगर को ना ऊपर वाले को मैंने ऐसे कर रखा है कि गोली मारेगा और क्राउच करेगा दोनों साथ में। देखो ऊपर वाला बटन दबाता हूँ, गोली और क्राउच दोनों साथ में, दबा रहा हूँ और उछल जाऊं वो भी कर सकता हूँ। भाई ये तो अलग ही चीटिंग है यार, इसमें मेरे को ना कुछ रिकॉल कंट्रोल करना ही नहीं है। भाई देखो क्या मारा मैंने, क्या भाई ये ऑटोमेटिक फायरिंग कर रहा था ये। भाई देखो कोई हेडशॉट ले नहीं सकता मेरा, देखो क्या मारा भाई, वो कुछ कर ही नहीं पाया, वो सर पे एम लगा रहा था भाई। ये क्या मजाक है, चीटिंग है भाई। गेमिंग फोन हो चाहे जैसा भी हो, हम भाई कैमरा जरूर चेक करते हैं। 50 MP का प्राइमरी अपना कैमरा, 8 MP अल्ट्रावाइड और 2 MP का मैक्रो अपना फंसा रखा है। कंपनियों ने सिंपल ना दिया कि भाई गेमर लोग सेल्फी लेंगे, उनको फोटो वोटो से फर्क ही नहीं पड़ता उनको, बट फ्रंट में एक 16 MP सेल्फी है। अब पूछो कहाँ है भाई, इसमें ये अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, सबसे पहले सेल्फी खींच के देंगे। इसमें से नॉर्मल देखोगे तो इसमें धुंधला धुंधला आ रहा है एकदम। सीधे बताऊँ कलर सही आ रहे हैं, डिटेल एकदम बेकार है, पर अंडर डिस्प्ले के हिसाब से अच्छी फोटो खींचे। एक बार बैक साइड से भी खींच के देखेंगे, एक 1x में खींच के देखेंगे। प्राइमरी कैमरे में डिटेल अच्छी है, बट इसमें भी कलर्स ऐसे नहीं कि बहुत नेक्स्ट लेवल लग रहे हैं। ध्रुव भाई हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ। F1 से खींचता पोर्ट्रेट में भाई, एजुकेशन और सारी चीजें तो सही लग रहा है। एक्चुअली ब्लर भी अच्छा खासा कर रखा है, बट ऑफकोर्स भाई थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है, जैसे पेड़ यहाँ पे ब्लर नहीं है, यहाँ पे पूरा ब्लर हो गया है। बट एक चीज है भाई, एटलीस्ट स्किन टोन जो है वो सही मैनेज कर रखे हैं। मैं एकदम सही से बताऊँ, ओके कैमरा बोल सकते हैं कि काम चल जाएगा आपका कैमरे से, बट इस प्राइस पॉइंट में बहुत बेटर बेटर कैमरा आ जाते हैं। और अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन नहीं ले जा रहे तो भाई बहुत तगड़े एकदम कैमरे वाले फोन मिलेंगे जो क्या झकास फोटो खींच के देंगे, तो ये वो बिल्कुल नहीं है। बट भाई फाइनली मैं एकदम अगर आपको सीधा सीधा बताऊँ, परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है भाई एकदम दुनिया हिला देगी आपकी, एक्चुअली फर्क ही नहीं पता चलता। फर्क पता चलता है एक्सपीरियंस के अंदर। इसमें वो सॉफ्टवेयर में फीचर वीचर ऐड कर रखे हैं, थोड़ा चीटिंग वाला मामला हो जाता है, जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट बढ़ा रखा है तो खेलने मजा ज्यादा आता है। ये सेम प्रोसेसर और भी भाई स्मार्टफोन में आता है, बट इसमें वो सॉफ्टवेयर ने चीट वीट ऐड कर रखे ना भाई, उसमें तो मुझे तो मजा आया। ये वाला स्मार्टफोन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, जब इंडिया में होगा तो 50,000 के अराउंड का इसका प्राइस होगा, और 50,000 के हिसाब से परफॉर्मेंस तो बहुत तगड़ी है, बट कैमरा वैमरे में तो मजा आ गया। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, बट डेफिनेटली काफी अलग सा फोन है और हमको काफी ज्यादा मजा आया इसको ट्राई करने। होपफुली आपको भी तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।